नेक्स्ट है 244 कैसे देंगे। 244 क्या है, ये भी विटामिन फॉर्मेशन के लिए ही देते हैं। ये पर्टिकुलर उन दो पॉइंटों में दिया जाएगा जो एक्चुअल में दो मेन पॉइंट हैं। तो जैसे लेफ्ट लेग में हम जब विटामिन जो चेक करते हैं तो आगे हम विटामिन बी12 को चेक करते हैं, पीछे नायसिन को चेक करते हैं, आगे इसी तरीके से राइट में हम फॉलिक एसिड को चेक करते हैं, पीछे थायमिन को करते हैं। तो अब हमने ये दो पॉइंट, इसको बोलते हैं 244 विटामिन बी12 नायसिन, 244 फॉलिक एसिड और थायमिन। तो यहाँ से यहाँ का दर्द जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा और यहाँ का दर्द जो है अगर है तो कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपने दो लाइनें खींचनी हैं, यहाँ से एक सीधी लाइन घुटने से लेकर सीधी लाइन जो जाएगी वो यहाँ इस पॉइंट पर बनेगी और यहाँ से सीधी लाइन जो जाएगी वो इस पॉइंट पर बनेगी। मेरी बात को समझे, ये दो पॉइंट हैं, यानी कि यहाँ से सीधी लाइन गई तो एक पॉइंट ये बनेगा और यहाँ से सीधी लाइन जो आएगी ये एक पॉइंट यहाँ बनेगा। अब ये हमारे दो मेन पॉइंट हैं, यानी कि यहाँ का दो जो दर्द निकलेगा, जो यहाँ का दर्द निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा और जो यहाँ का दर्द निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये पीछे है ये ऊपर है तो इसके ठीक सामने ये पॉइंट आएगा, इसके ठीक पीछे वाला ये पॉइंट जाएगा। अब हमने देने कैसे है, 2-4 पर हथेली से देते हैं, हथेली यहाँ होल्ड करेंगे। 2 का मतलब है दो बार स्ट्रोक देना है, दो बार झटका देना है, जैसे 1-2 और यहाँ रखेंगे 1-2, एक हम ऊपर की तरफ देंगे एक हम घुटने की तरफ देंगे। अब ये 2 हो गया, आधे मिनट के बाद 4 देना है, 1-2-3-4, 1-2-3-4। ये फॉर्मूले में लिखा होगा कि 2-4-4 कब देना है, किसको देना है। अब 4 हो गया, अब 2 के बाद आधे मिनट का गैप, 4 के बाद आधे मिनट का गैप, फिर 4 देना है। तो इसी तरीके से 1-2-3-4 और 1-2-3-4, तो ये कंप्लीट होने के बाद फिर मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। तो ये वाला पॉइंट हमारे विटामिन बी12 का दर्द निकालेगा, ये वाला पॉइंट हमारा थायमिन का दर्द निकालेगा, नहीं ये वाला पॉइंट हमारा विटामिन बी12 का दर्द यहाँ से निकालेगा और थायमिन का जो नियासिन का दर्द है वो यहाँ से निकलेगा। तो इस तरीके से दो पॉइंटों से हम इन दोनों पॉइंटों का दर्द निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं 244, यानी कि दो पॉइंट में, केवल दो पॉइंट में पूरा का पूरा ट्रीटमेंट देना है। तो इन दो पॉइंटों को हम स्टिमुलेट करते हैं, तरीका ये है, यहाँ से सीधी सीधी आप लाइन खींचिए इधर और यहाँ से सीधी सीधी लाइन खींचिए इधर। इसी प्रकार जब हम राइट में या लेफ्ट में दे रहे होंगे तो वहाँ पर विटामिन बी12 और नायसिन का दर्द निकाला जाएगा। लेफ्ट में अगर आप 244 दे रहे हैं तो विटामिन बी12 और नायसिन के लिए दे रहे हैं, राइट में दे रहे हैं तो ये फॉलिक एसिड और थायमिन के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो 244 दोनों में दिया जा सकता है एज पर एज आपके फॉर्मूले में किसका मेंशन है। आजकल ना तो 244 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बहुत कम करते हैं, और पार्कू का भी इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, जो पुराने फॉर्मूलेज में है उसी में करेंगे। आजकल जो लेटेस्ट इन सब का वर्जन है वो विटामिन फॉर्मेशन है, उससे हम मैक्सिमम एरिया कवर करते हैं, मैक्सिमम थाई को कवर करते हैं, इससे बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। तो आजकल जो लेटेस्ट यूज होता है वो विटामिन फॉर्मेशन का है।